एने तो पको देखाई एकदम से साइड में कर ली और ये तो फाइनली हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, एकदम झकास, एकदम आगे क्या होता है मेरे को आता नहीं बाबू तो बोल दे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हैंगओवर बिल्कुल जा चुका है और हम बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। थोड़ा बहुत आवाज में लग रहा होगा क्योंकि हम ज्यादा सो लिए ना, ज्यादा खा लिया था कल, खाते ही रहे पूरे दिन, सुबह से लेकर रात तक खाते रहे। तो कल रात को जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो सीट पर डिस्कशन चल रहा था कि भाई किसने क्या क्या बातें बोली है नशे में बताओ तो कुछ मेरी बातें बताई जा रही थी, कुछ इसकी बताई जा रही थी, तो मतलब हम लोग वही कल मजे कर रहे थे रात को। और फिर आई पाव भाजी जिसे सबने एंजॉय किया, मना करते करते सबने एंजॉय किया। तो बस अब हो चुकी है सुबह और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी और ये सामने वाली खिड़की में जाके प्यार जता रही है मुझे सुबह से। हम लोग बैठे हुए थे और यशु की यहाँ पे चल रही है पेंटिंग टैब में, ठीक है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में किसी ने पॉटी कर दी। हमारी आंखों में पॉटी है गाइस, तो हर जगह पॉटी ही नजर आएगी। चल पागल, सॉरी, पिट पिट आ जाएगी मेरे से, देखने में दिमाग घूमा हुआ है। अच्छा बता दो, मतलब ये क्या बनाना क्या चाह रही है तू, ये बता दे, हम लोग नहीं समझ पाओगे तो तू समझा देना अपनी फीलिंग्स, बताना। ये भूल भुलैया है गाइस। अच्छा इसमें कैसे जाएंगे, इसमें से ऐसे 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 तुमको येलो येलो पे चलना है सिर्फ। अच्छा फिर तुम निकल जाओगे। अच्छा लेकिन तुम्हारा किसी भी और कलर पे कुछ टच नहीं होना चाहिए गाइस। तेरा तो हो गया। मैं तो आर्टिस्ट हूँ ना, मेरा कुछ भी टच हो सकता है आर्टिस्ट का, तुम जैसे फालतू लोगों का कुछ टच नहीं होना चाहिए। मैं फालतू नहीं करता हूँ, सॉरी बाबू, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के छह बज रहे हैं और इस औरत ने सुबह से एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती व्लॉग के रिगार्डिंग, कि मैं व्लॉग शूट कर लूं। लेकिन इस औरत को सिर्फ और सिर्फ खाने के अलावा और चाय पीने के अलावा कोई काम नहीं है। अभी भी ये चाय बना रही है और साथ में इसने बनाई है मैगी, देख लो जरा। फिर ये कहती है कि मैं डाइट करूंगी। यार आटा नूडल है, देखो भाई, आटा नूडल नहीं है ये, चुपचाप ये देख लो, दिमाग खराब कर रखा है मेरा। नूडल तो है ना, पानी में जाके फूला तो सही ना, वो ऐसी तेरे पेट में जाके फूलेगा ये, दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लो इस पागल औरत को, वहां चली गई बाहर, ये देख लो जरा ये इसके हाल है, देख लो जरा चलेगी। मेरे को भी खिला, मैंने क्या खाया, मुझे डाइट पाया, मैं भी खाऊंगी ना, जहां का रखा है मजा आ रहा है। क्या है ये कंटेंट, तेरे नाम की बड़ी बड़ी हो, कंटेंट के लिए करना पड़ता है गाइस। गाने सुनो बेल जेना वाला आया, तू भी टेस्ट कर ले, वैसे ही होता ना वो जेल में होता है यहां पे। कौन सा गाना, उसका साइड वाला बता, मर के भी ना वादा अपना, बहुत ही ज्यादा तेरा, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी, मैगी दिसले मत कर, मैगी तू परेशान नहीं, तू बच जाएगी, तू बच जाएगी, मैगी घुसेगी चुड़ैल कहीं की। अलेक्सा स्टॉप, अलेक्सा डू यू नो अबाउट यशस व्लॉग्स, सॉरी आई डोंट नो दैट वन, गो टू हेल देन। अलेक्सा आई लव यू यार, आई एम फ्लैटर्ड, थैंक यू। As a friend. खेल गई अलेक्सा, अलेक्सा क्या आप हिंदी में बात करते हो? लगता है आप मुझसे हिंदी में बात करना चाह रही हैं। अपनी डिवाइस की भाषा बदलने के लिए सेटिंग्स में जाकर अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। ओके, अलेक्सा आप मुझे बताओ कि यशस व्लॉग्स को आप जानते हो? सॉरी, आई डोंट नो दैट। बेस्टी मार दी अलेक्सा ने। अलेक्सा क्या कर रहे हो? लगता है आप मुझसे हिंदी में बात करना चाह रही हैं।
अपनी डिवाइस की भाषा बदलने के लिए सेटिंग्स में जाकर अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। ठीक है अलेक्सा, कल बात करते हैं। ओके बाय अलेक्सा, बाय। Until we chat again. ठीक है। हां जी तो भाइयों, अलेक्सा से बात हो गई है अपनी, सब सेट है। अभी जानती नहीं हमारे बारे में, थोड़ा टाइम बाद जान जाएगी, कोई बात नहीं। इसके बारे में मुझे बताया था। हां बट वो अपने बारे में नहीं बताया था, किसी और के बारे में बताया था। चलो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे वॉक पे और बैडमिंटन खेलने। सो लेट्स या बैडमिंटन बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है 10 साल से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि इतने ज्यादा हैंगओवर में थे हम लोग। और अब हम फाइनली खेलने वाले हैं बैडमिंटन। आज हवा नहीं चल रही है तो देखते हैं कि पहले कौन हारता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ ये नेट है, बीच में ये वाला नेट है, देखते हैं। चल वाह, पहली जो ये क्या बोलते इसको, शटर है? शटर शटल शटल पहली शटल वैम्पायर सीधा वैम्पायर को दे दी हमने। पहली शटल एम्पायर के पास। ये देखो एक पॉइंट राजकुमारी, ये मेरी चौथी चौथी राजकुमारी है, ये तो खींचगी भी नहीं है, खींचगी भी नहीं है। गुंडी है तू, जो गुंडी है, ये तो गुंजी है, ये तो गुंजी गुंडी है, ये तो गुंजी। पहले हम लोग आ चुके हैं बैडमिंटन खेल के, एंड अभी अपन लगवा रहा तेल माथे में, एकदम से नहीं लगा रही है। चूटने को थोड़ी बोला है यार, बाबू ढंग से लगा दे। कैसी है, क्या करेगी बताइए जरा। मैं तेल लगाने को ही तो बोल रही हूँ, अभी लग रहा। जान ढंग से ये साइडों में तो लगा दे यार, मैं सुबह धोऊंगी सर। फिर क्या करना, क्या चाह रही है? ओए जो इसने देखो मेरे बाल चढ़वाते कितना बड़ा हो गया। मुझे यशु ने अपना गलती से कर लिया वेट चेक और वो हो गया बहुत ही ज्यादा सीरियस। तो पतला हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि किसी ने सोची ना होगी। मधु, मैं आपको बता दूं कि मधु गई हुई थी ना घर अपने, तो मधु आ चुकी है। तो अभी हम बातें कर रहे थे तो मधु बता रही है कि हमें जितना याद था हमने आपको बता दिया कल वाले व्लॉग में। अब मधु की जुबानी सुनो कि हमने क्या क्या किया था। गुड इवनिंग गाइस। तो वैसे मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से कि मेरा ना एक बार मेरा एक्सपीरियंस रहा था ऐसा ही कुछ लास्ट ईयर का। मुझे नहीं पता चला था मेरा दिन कहाँ चला गया, बट मेरा इतना बुरा हाल नहीं हुआ था जितना इनका हुआ। ये तो सेट हो चुके थे, सेट के बंद हो चुके थे लोग, इनको नहीं पता कब आए, क्या हुआ, क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, कोई टेंशन में जा रखा था। एक बंदा हरकतें कर रहा था बढ़िया। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने कहा वैसे लास्ट में पूछा, ये बहुत नॉर्मल जब हम होटल से निकल रहे थे ना, बहुत नॉर्मल। आपने मुझे पूछा भी था कि तू ठीक है? मैं ठीक है। और मेरे को ये लगा हाँ यशु ना संभाल लेगी सबको, क्योंकि मेरे को कहीं अर्जेंटली निकलना था। तो मैंने कहा यशु है, यशु थोड़ी सी ठीक लग रही थी मेरे को, ये निकाल लेगी। इसने शूज वूज डाले अपने आप ही, पता नहीं क्या गाड़ी में हुआ। और पायल का एक रिएक्शन दिखाऊं, पायल का एक मिनट रुक जाओ, मैं ना पायल का रिएक्शन दिखाऊं। पायल ने ऐसे अपने शूज पहने थे, पायल तो एक्चुअली ये कह रहे थे मेरे को घर ले जाओ बस, और उसका मुंह ऐसे था।
और ना मैंने कहा पायल शूज पहनना है, क्या करना है ये पायल का रिएक्शन था। मैंने कहा देख पायल तो हो गया आउट, पायल के फेस पे ना हंसी ना रोना तो ये टेंशन वाली थी। कहते भांग के पकोड़े खाते जो बंदा टेंशन में है वो टेंशन में रहेगा, जो हंसेगा वो हंसता रहता है, जो रोता वो रोता है। मेरे को गाड़ी में बैठ के इसकी टेंशन हो गई। कहती है मैंने तो पकोड़े खाए जैसे काम बार ये करते ना इसकी मैंने कहा चल ठीक है मन लगा रहेगा घर में ना, चलो एक बंदा हंसी मजाक वाला सेट कर गया, क्योंकि कहते हैं जो वास्ता फिर वास्ता रहता है। फिर क्या हुआ, दो लड़के थे बाइक पे, उन्होंने भी पीवी रखी होगी, वो गाड़ी के सामने आए, वो ऐसे झूलते हुए आ रहे थे तो मैंने एकदम से साइड में कर ली और ये रोने लगी भाई। मैंने कहा यार ये रो पड़ी अभी सारी रात रोएगी। मैंने पायल को कहा मैंने पायल मैंने कहा रो रही है वो, उसको चुप करा, मेरा गाड़ी पे जाना था। मैंने कहा आगे और ना जाए। पायल कहती है थोड़ी देर बाद सोच के मत रो मत रो, उसके बाद ये चुप। और मैंने ना मैंने साक्षी को पीछे देखा, मैंने कहा साक्षी तू तू थोड़ा संभाल है, और साक्षी ऐसे साक्षी को पूरा स्टाइल है मेरे साक्षी तो ठीक है हुआ मैं डोला ना मैंने वैसे मैंने तो उसको चुप कराया रोए साक्षी पता नहीं कहाँ वो गुम हो रखी थी गली। फिर मैंने पायल को बोला, मैंने कहा पायल तुम लोग ठीक हो ना, मेरे को हौसला देते हो, वो भी स्टार्ट हो गई चार दिन चार बार खाए होली मनाई नहीं ऐसे में मैंने कहा आज दिन चार बार नहीं सच्ची में यार। और ना वो बच्चों वाली पूरी इसके अंदर वो पूरी फीलिंग निकल निकल के आ रही है। मैंने कहा यीशु ठीक है ना, मैंने कहा यीशु तू तेरी वोमिट नहीं हुई है तो मतलब तेरे को ना वो भांग का नशा इन दोनों से ज्यादा होगा। जब घर आए तो बताओ मेरा ना निकलना बहुत जरूरी था, तो मैं मेरे को ये टेंशन मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊँ। और मेरे को धूप की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को माइग्रेन पेन, मैंने कहा यार मैं दोनों जगह से फंस गई। और आते ही यीशु का स्टाइल, यीशु यूं करके और गीले कपड़ों में थी बैठ पे, यूं बैठ पे नहीं बाहर गद्दे पे, मतलब बाहर ऐसे बोल नहीं सकते ना, गद्दा अच्छा नहीं लगता, गद्दा ले लो वैसे कंसीडर ऐसे करके, अरे यीशु गीले कपड़ों में मैं खुद 10 मिनट आराम कर रहा हूं। और जो मिन्नत की थी वो बताओ मैंने कहा फिर मैं दोनों बोली, मैंने कहा तुम लोग प्लीज चेंज कर लो। और जैसे कपड़ों में इन्होंने चेंज किया वो आपने अच्छा कल वाले ब्लॉग में देख लिया। फिर ये दोनों ऐसे सोए, फिर उस टाइम में एक्चुअली मैं भी सो गई थी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी। और ये साक्षी तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, ऐसे डर रही थी एक्चुअली, अब डर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत हुआ, फिर उसके बाद ये लोग मेरे को टेंशन रही, मैंने घर जाके फिर साक्षी को फोन किया, मैंने कहा खाना वाना प्लीज देख लेना कैसे करना है। तो इन्होंने शायद रात फिर मैं जैसे ही मैंने ना मैं 8 बजे 8:30 बजे मैंने बैग पैक कर लिया, कहती है कुछ ऑर्डर करना, मेरे को लगा मैं जो मैं पहले ही ऑर्डर कर दूँ तुम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। यीशु हमारी उल्टी हो रही है, ये दोनों साक्षी ने बहुत ज्यादा उल्टी करी थी, इसने 2 राउंड की उल्टी की थी, उसने 5-6 राउंड, और उसने बहुत सारी की थी। आप भी कहोगे ना कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत मटेरियल निकाला तू रख पाएंगे बैठी कुर्सी पे एक बार और राजल खाऊंगी तो ये पैक करके दे देंगे ये वाला नहीं सुना था उस टाइम जब मैं पानी लेने गई थी इनके लिए आए। उसके बाद ये आए लोग, फिर ये रात को कहते चोले भटूरे मैंने कहा सोचा फिर ये सो गई। उसके बाद मैंने रात को फिर इनको फोन किया, मैंने कहा ऑर्डर किया है, मैंने कहा उसके छोले भटूरे ऑर्डर कर देना, उसका मन था क्योंकि खाना खाने के बाद भी ना वो नशा और डबल होता है, और वो कल तक इनका रहा होगा पक्का। आज फिर भी कई लोग ये नॉर्मल है और इनको नहीं पता सच में इनके साथ क्या, जो मैंने बताया हो सकता है मैंने 100 में से 60% बताया, क्योंकि हो जाता ना मैं क्या क्या बताऊँ, मैंने कभी कैमरा इतना फेस नहीं किया, तो जितना लगा मेरे को बता देना चाहिए उतना बता दिया। कुछ चीज़ें हैं भी एक दो नहीं बता सकते। तो गाइस मधु हमारे लेके आई है 4 तरह के पान, ये मीठा पान, बटरस्कॉच, चॉकलेट, रसमलाई।
जिसमें से मेरे को मीठा पसंद है, जिसमें से मीठा पान मेरे लिए आया है स्पेशली। किसी को पसंद हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी तीन में से जिसको जो खाना हो वो खा सकता है, इस पे तो मेरा ही कॉपीराइट है। चलो मीठा पान हो गया मेरा, मैं मुक्का मार दूंगी, मेरे को आधा खाने से आधा बस देख रही है, बहुत जल्दी ही उस पर वीडियो अपलोड होने वाली है। वीडियो हम शूट कर चुके हैं और करनाल का कुछ स्पेशल हमने ट्राई किया था, तो आप लोग जरूर देखना। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।